स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट ही सही पर बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने किचन का इन डेप्थ क्लीन से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मैं आप लोगों को सिर्फ किचन काउंटर क्लीन करके दिखाऊंगी, बल्कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो छोटे छोटे छुपे हुए कॉर्नर्स जिनमें हम लोग छुपा करके रखते हैं वो ग्रीसी गंदी एरियाज। वेल, इस किचन को एक डर्टी स्टेट पहुँचाने में मुझे एक से डेढ़ महीना लगा। इंटेंशनली मैंने ऐसा किया टू मेक श्योर कि मैं इस तरीके का एक वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपने क्लीनिंग वीडियोज जो होते हैं बहुत मोटिवेशनल लगते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है उन्हें देखने में। और इमीडिएटली मेरा मन करता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ में आराम से मैं भी कपड़ा उपड़ा उठाऊँ और सफाई करना शुरू कर दूँ। तो मैं ऐसा एक इनडेप्थ वीडियो आप लोगों के लिए करना चाहती थी। आप देख सकते हैं द फ्लोर ऑफ द कैबिनेट जो मैं साफ़ कर रही हूँ उससे मैंने कितना गंदा किया है पिछले डेढ़ महीने में। होता क्या है किचन में जो है ऑयल डिस्टेंस होता है, आप कितना भी चिमनी वगैरह यूज़ कर लीजिए लेकिन किचन गंदा हो ही जाता है, हर हालत में हो जाता है। तो आपको हमेशा इस चीज़ को मेनटेन करना होता है ना कि आप हमेशा इसको क्लीन रखें। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैंने इस वीडियो में किसी भी तरीके के कोई भी एक्सपेंसिव और वो जो क्या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें मैंने नहीं यूज़ किया है। मैंने बहुत सिंपल जो प्रिल होता है आपका डिश वॉशिंग लिक्विड उसे मैंने यूज़ किया पानी में डिजॉल्व करके, और नॉर्मल आपका जो वॉश क्लॉथ होता है उसकी हेल्प से मैंने स्क्रब करके अपने किचन को साफ किया। तो नो रॉकेट साइंस एट ऑल, किसी भी तरीके का कोई ऐड कोई प्रमोशन करने की मैं कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। सेकेंडरी बेसिस पे जो मैं आप लोगों से अपोलोजाइज करना चाहूँगी वो इस चीज़ के लिए करना चाहूँगी कि 90% ऑफ द वेज इस किचन इस वीडियो में आपको मेरी बैक मेरी पीठ दिखाई दे रही है। इंटेंशनली नहीं किया है पर किसी मैं एंगल्स बदलने की कोशिश कर रही थी पर किसी भी तरह ये नहीं हो पा रहा था कि मैं अपना फेस सामने रख के प्रॉपर क्लीन अप कर सकूँ। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। सो अपॉलॉजीज बीइंग केप्ट असाइड, आइए फटाफट डाइव इन करते हैं और मैं आप लोगों को डिटेल्स देना भी शुरू करती हूँ। सो इस जो कंटेनर आप देख रहे हैं इस तरीके के कंटेनर्स काफ़ी यूजफुल होते हैं, मुझे मेरी वेडिंग पे गिफ्ट में मिले थे। तो इनमें स्टोर करने में बड़ी आसानी होती है, बड़ी सारी चीज़ें हैं बड़ी आसानी से स्टोर हो जाती हैं। तो ये दो कंटेनर हैं मेरे पास में, अब एक एक कैबिनेट में रखा है दूसरा दूसरे कैबिनेट में रखा है। मत पूछिए क्यों क्या सोच के भगवान जाने, लेकिन फर्दर वीडियो में आप देखेंगे अब मैं इन दोनों को एक साथ भी कर दूँगी। सो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे हिसाब से मेरी ये कैबिनेट जो है वो साफ हो चुकी है, पर वो अरेंज नहीं है ठीक से, वो अभी आपको आगे दिखेगा कि मैं उसे दोबारा रीअरेंज करूँगी। सो दूसरा कंटेनर जिसकी मैं बात करी थी वो ये रखा हुआ है, इसके नीचे का फ्लोर भी काफ़ी गंदा हो चुका है। तो पहले मैं साबुन और पानी की हेल्प से माइक्रो फाइबर क्लॉथ से अपने फ्लोर को क्लीन कर लूँगी। ये पूरा प्लाई का फ्लोर है इस वजह से मैं हर बार पहले एक वेट डस्टर यूज़ कर रही हूँ, उसके अंदर मैं सूखे डस्टर से सब कुछ क्लीन कर रही हूँ करती चल रही हूँ। और उसके बाद में मैंने अपना सिलेंडर के पास वाला कैबिनेट भी क्लीन किया है, और सबसे गंदा जो कैबिनेट मेरा हुआ था वो ये हुआ था, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन तो मैंने बहुत ही ख़राब कर दी। मतलब ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया, मैं भगवान ही जानता है शायद इसमें पानी आ जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें प्लेट्स वगैरह स्टोर होती हैं, तो हो सकता है उस पानी की वजह से थोड़ा ज़्यादा इसने धूल पकड़ ली है, पर काफ़ी गंदा हो गया था। इसको तो साफ़ करने में बड़ी मेहनत लगी भाई, कमर बिल्कुल टेढ़ी हो गई मेरी। ऑल्सो मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मतलब अगर आप लोगों को लग रहा है कि एक घंटे में रिकॉर्ड हुआ डेढ़ घंटे में रिकॉर्ड हुआ तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे लगे टोटल मिलाकर के 4 से 5 घंटे, क्योंकि विवाद सो रहा था जब मैंने इसे स्टार्ट किया, फिर वो बार बार जग जा रहा था, तो मैं जाती थी उसको सुलाती थी वापस आती थी एक कैबिनेट साफ करती थी, तब तक वो फिर जग जाता था, तो मुझे फिर वापस वर्क करके जाना पड़ता था उसके पास में। फिर वो जग गया, फिर उसने मुझे हेल्प करना शुरू कर दिया। सो प्रैक्टिकली आप लोग आगे देखेंगे भी उसको मेरे साथ में काम करते हुए, इज रियली अ डार्लिंग, अ वेरी वेरी स्वीट केयर इन दैट मैटर। वो कोशिश पूरी करता है हेल्प करने की, हालांकि मेरा काम बढ़ा देता है पर हेल्प करने की कोशिश नहीं करता है। ऑल्सो जो वो प्लेट्स वाली कैबिनेट थी जो बहुत ही गंदी थी, उसके ऊपर जो है एक स्लाइडिंग रैक है, ये स्पेयर में रैक है मेरे पास में, इस वजह से मैं इसमें ऐसी चीज़ें जिनको कि फूड आइटम्स फूड स्टेपल्स नहीं कह सकते उन्हें स्टोर करती हूँ, जैसे कि मेरा फूड रैपिंग ऑयल हो गया, जिप लॉक पाउचेस हो गए, गार्बेज बिन वाले बैग्स हो गए, उन सबको मैं इसमें रखती हूँ। सो दैट जब भी मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं कन्वीनियंटली हाँ अपना आराम से उठा सकूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है मुझे कि खाने पीने की चीज़ रखी है अगर हाथ गंदा भी है, जैसे मान लीजिए गार्बेज बैग मुझे निकालना है अंदर से और मैंने हाथ ठीक से साफ नहीं भी किया है तो मुझे ऑकवर्ड नहीं लग रहा होता, मेरे लिए इट्स फाइन कि एक बार मैंने सोप से हाथ धोया, अगर सैनिटाइज नहीं भी किया तो इस रैक में मैं आराम से हाथ डाल सकती हूँ।
अब दूसरी जो टॉप शेल्फ है मेरे पास लाइटिंग वाली इस तरीके की, बाय द वे अगर आप लोग नहीं जानते तो लेट मी मेंशन दिस इज अ रेंटेड हाउस, मेरा अपना घर नहीं है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये रैक जो है ये स्टोव गैस स्टोव के नीचे है। सो इसमें आप देख सकते हैं कितना सारा क्लटर है, क्योंकि आप देखेंगे अगर यहाँ पे तो 4 से 5 तो मेरे पास नाइफ्स ही पड़े होंगे और ये यूज़ होने वाले नाइफ्स नहीं है मेरे, ये नहीं यूज़ होने वाले नाइफ्स हैं मेरे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं इस वीडियो को करने का मुझे ये बेनिफिट भी हुआ कि जितनी भी चीज़ें मेरे यूज़ में नहीं आने वाली थी उन सभी चीज़ों को मैं हटाती चली जाऊँगी, उनको मैं सबको उठा करके जो स्टील वाले कंटेनर्स मैंने शुरुआत में रखा थी उन्हीं में डालती चली जाऊँगी, उनको एक्सचेंज करके भी आगे जाऊँगा। तो ये वर्क नहीं है पुराने बर्तन देकर के जो आपकी यूज के नहीं हुए वेट के हिसाब से केजी के हिसाब से यू कैन सेल दें और थोड़ा बहुत पैसा जो भी हुआ वो डाल करके आप अपने लिए कोई नया बर्तन खरीद सकते हैं। सो दैट वॉज एन अमेजिंग थिंग टू नो। सो उसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे के जो कंटेनर जो नीचे की रैक्स हैं मेरे जो किचन काउंटर के नीचे की रैक्स हैं उसका लास्ट काम जो है वो बचा हुआ मेरे पास में एंड दैट इज ये प्लेट्स का ऑर्गेनाइजर। ये एक्चुअली कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, नथिंग एक्सपेंसिव और सैफायर। ये अंबिया जो आती है ना मैंगोज आते हैं मेरे फादर इन लॉ की बाग है तो उनके यहाँ से मैंगोज आए हुए, तो ये उनकी कैरेट है वहाँ से, कैरेट के हिसाब से उनके पास काम आते हैं सीजन में। तो ये वो कैरेट है, इसे मैंने यूज़ कर लिया था प्लेट्स और आटा मारने वाला जो मेरे परात है उसको स्टोर करने के लिए। सो ये प्लेट्स वगैरह तो हर रोज़ साफ होती हैं, हर रोज़ निकलती हैं, हर रोज़ साफ होती हैं, पर ये कैरेट जो है वो रेगुलरली नहीं साफ हो पाती है, मैंने सोचा आज मौका है तो इसे भी साफ़ कर लेते हैं। ऑल्सो ये वाला जो रैक है सिंक वाली रैक थी और जो हम लोगों की घर वाली कंटेनर वाली रैक थी ना उसके बीच का रैक है ये। तो इसमें मैं कटोरियाँ और ग्लासेस स्टोर करती हूँ, फिर चाहूँ तो छोटी प्लेट भी स्टोर कर सकती थी ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। छोटी से छोटी प्लेट भी अगर मैं इसमें स्टोर करने की कोशिश करती हूँ तो ये ऊपर की तरफ लड़ने लगता है। ये सेमी मॉड्यूलर किचन है जिसे कारपेंटर ने बनाया है, तो सोच समझ के नहीं बनाया गया है, ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स का काम तो नहीं कर पाएंगे वो लोग। सो मैं इसे कटोरी और ग्लासेस स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसके नीचे एक बड़ा वाला कैबिनेट है, इसमें मैं अपने बड़े बर्तन स्टोर करती हूँ, उसमें मेरे सारे टिफिन्स नीचे हो गए थे, इन टिफिन्स को मैं यूज़ करती हूँ दिन में जैसे मैंने खाना बनाया तो स्टोर करके रखने के लिए, ताकि मेज से बाहर से मेरे बड़े बर्तन जैसे कि मेरी कढ़ाई है, मेरा कुकर है, उन सबको साफ करके रख सकते हैं आराम से। तो ये टिफिन्स मैं ऊपर अरेंज कर दूँगी। सो कांच के जो बोल्स वाले बोल्स हैं उनको मैं लिड लगा करके ऊपर रख दूँगी, कई सारे बोल्स हैं ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, उनकी भी लिप्स मेरे पास में पड़ी हुई हैं, तो उन लिप्स को भी मैं अंदर स्टोरेज में ही डाल देने वाली हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं उस कंटेनर को मैंने एक बार फिर खाली किया, तो पिछली बार मैंने अरेंज किया मैंने उसको खाली किया, अब मैं उसमें बर्तन अरेंज करूँगी और उसके ऊपर से जितने भी आइटम्स आ पाएंगे उनको मैं इसमें अरेंज करूँगी और जो बचे हुए आइटम्स होंगे उनको मैं दूसरा वाला जो बड़ा वाला कंटेनर है उसमें जाके अरेंज कर दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें अरेंज किया और फिर इस कंटेनर को ला के इन दोनों को एक पास में अरेंज कर दूँगा। ये सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन लगा। इसके बाद में आपको याद होगा ये ऊपर वाली शेल्फ है जहाँ मैं कॉलिंग प्ले कर रही हूँ, मैं इस शेल्फ में स्पाइसेस रखे रहते थे, तो मेरे मेसन जार जो थे वो भी थे और साथ में जो मल्टी कलर स्पाइसेस का आप अगर सेक्शन देख रहे हैं इंडियन किचन सर मैम जो भी लोग देख रहे हैं, सो ये इस तरीके के डिब्बे होना तो एक कंपल्शन होता है, मतलब बाहर से देख के पता चलना चाहिए कि इंडियन किचन है। सो मेरे पास भी ऐसे मल्टी कलर डिब्बे बहुत सारे हैं, तो अगर आप लोगों ने देखा है तो उसे जरूर देखिए, तो मैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें भी मैंने इस ऑर्गेनाइजर को यूज़ किया था और यहाँ मैं डिब्बों को अरेंज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजर को यूज़ कर रही हूँ। और मेरे बेटे ने मुझे भी फ़ोन गिरा दिया, कैमरा ट्राइपॉड जो था मेरा वो मेरा फ़ोन गिरा दिया उसने। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्योंकि ग्लासेस हट गए हैं तो मेरे पास बहुत अच्छी खासी स्पेस बची है, तो मैं इस एरिया को क्लीन करके यहाँ पर जो मेरे टी कप्स होते हैं रेगुलर डे टू डे डे टू डे वाले उन टी कप्स को इस जगह पर मैं अरेंज कर लूँगी। साथ ही में मैं कुछ ड्रिंक पानी पीने के लिए ग्लासेस कांच के निकालना चाह रही थी, उन ग्लासेस को भी मैं यहाँ अरेंज कर दूँगी आराम से, सो वो कन्वीनियंटली मतलब सामने से उठाने में आसानी हो जाती है। तो ये हम लोगों का ये वाला सेक्शन जो है वो अरेंज हो चुका और ये एक बदमाश मेरा हेल्पर आ गया रिटर्न करने के लिए, बहुत चट्टान हो गया था, इसकी कोशिश पूरी होती है कि मुझे हेल्प करे पर मेरा बहुत काम बना देता है। आप लोग भी टॉडलर्स हैं इस तरीके के, क्या वो आपको किचन में हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्या आप एक न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा हर वक्त आपके पीछे पीछे घूमता रहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा प्लीज़। सो यहाँ पे आप देखिए आपने ये वाला सेक्शन क्लीन कर रही हूँ, सेक्शन को क्लीन करने में मुझे यूजुअल ज़्यादा टाइम लगा, रीज़न भी इस पर मेरा ऑयल का बॉक्स रखा हुआ था और ऑयल का बॉक्स आपके क्लीन भी कर दे सकती है जो
जो तेल है वो लीक होता रहता है थोड़ा थोड़ा इससे स्टेन्स बनते हैं, इसे साफ करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। ऑल्सो मैं अपने स्पून और नाइफ्स का जो स्टैंड है उसको उसकी जगह भी बदल रही हूँ, क्योंकि विमान अब जहाँ पर वो रखे हुए स्पून स्टैंड सो वो वहाँ पर पहुँच जाता है, और नाइफ से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि नाइफ बहुत शार्प रहते हैं और वो बहुत शैतानी करता है। सो अब मैं ये रिसेंटली मैंने ऑर्गेनाइजर परचेज किया था, तो आपने ये वीडियो भी मेरे चैनल पर आपने ऑर्डर भी देख रखा होगा जो इस ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड है। सो किचन ऑर्गेनाइजर्स, अगर आपने इस वीडियो को भी नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग डेफिनेटली देखिए, मैं लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी शेयर कर दूँगी। सो आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है और आपको लिंक्स मिल जाएंगे सारे। काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइजर्स मैंने परचेज किए थे तो आप लोगों को मज़ा आएगा देख करके। सो यहाँ पर अब मैं जिस टॉप शेल्फ पे ये ऑर्गेनाइजर रखा होता है उसको पोंछ के उसके अंदर वापस इसे अरेंज कर दूँगी। अब ऊपर इस शेल्फ में आपने देखा होगा कि मेरे स्पून्स और नाइफ्स रखे हुए थे, अब वो वहाँ नहीं रखे हैं, वहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की मेडिसिंस रख दी है। और इसके बाद में मैं अपना माइक्रोवेव भी वाइप ऑफ कर लूँगी। जैसा कि मैंने बिगनिंग में कहा था 90% ऑफ द वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बैक मेरे हाथ से देखने को मिलेंगे, सो सॉरी अबाउट दैट। ये फ्लावर्स आर्टिफिशियल हैं लेकिन मुझे देख के थोड़ा अच्छे लगते हैं, क्योंकि हल्की सी लाइफ आ जाती है, थोड़ा कलर आ जाता है ये हल्का फ्लावर्स। एक बार मेरा मानना है कि हफ्ते में आप लोगों को अपने घर का हर एरिया इस तरीके से इंटर कितनी जरूरत है। मेरा नहीं किसी का भी सही, जिसका आपको अच्छा लगता हो उसका क्लीनिंग मोटिवेशन वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा और आप बहुत आराम से अपने जो एरिया होंगे जिनको आपको साफ करना होगा उन्हें आप साफ कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने गैस को साफ कर रही हूँ, मेरी गैस साफ करना इज़ अ कंपल्शन फॉर मी, डेली बेसिस पर मुझे साफ करनी होती है। रीज़न भी मुझसे चाय बहुत उबलती है, मेरे आंटी पीछे दौड़ी होती है, चाय अक्सर उबल जाती है तो नीचे और ऊपर मेरी गैस काफ़ी गंदी हो जाती है, गैस के नीचे कम काफ़ी गंदा हो जाता है, तो मैं हमेशा इस जगह को वाइप करने में काफ़ी टाइम देती हूँ। इसके बाद में मैं लास्ट काम जो कर रही हूँ मैं अपना सिंक साफ़ कर रही हूँ। आप लोग जानते होंगे मेरे पास एक हाउस हेल्प आती है जो बर्तन क्लियर करके रखती है, सो मैं बर्तन क्लियर नहीं करती हूँ लेकिन हाँ मैं मेक श्योर करती हूँ कि बर्तनों में जूठन ना लगी हुई हो मंजने से पहले, तो मैं उन्हें खंगाल देती हूँ पानी से फिर सिंक को धुल करके उसके बाद इन मैं वापस सिंक में वापस बर्तन डाल देती हूँ। इससे मेरा काउंटर टॉप भी क्लटर नहीं लगता है और मैं कंप्लेन नहीं करती है कि आपने कूड़ा जो है वो सिंक पर रख दिया, और जूठन नहीं होती है तो अव्वल बेस्ट कंट्रोल होता है, प्लस आपका किचन नहीं होता उसमें बुरी स्मेल नहीं आती जब आप मॉर्निंग में उठते हैं। इसी के साथ जो मेरा काम है वो ख़त्म हो गया है, 5 घंटे बाद से ही पर ख़त्म हो गया है। मैं बना रही हूँ अपने लिए गरम गरम चाय का कप, तब तक आप चलिए और देखिए मेरी इतनी दिल की मेहनत। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जो प्रोडक्टिव लगा होगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें और सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।